रामनवमी पर हुई धार्मिक दंगों की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब मध्य प्रदेश के नीमच में फिर माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया है कि वहां धारा 144 लगाने की न बता गई। जी हां, मध्य प्रदेश के नीमच में दो समुदायों के बीच पथराव के बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। बता दें कि पूरा विवाद मूर्ति स्थापना को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद हालात जितने ज्यादा बिगड़ गए कि मजबूरी में पुलिस प्रशासन को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और बाद में विवाद फिलहाल पूरे शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है, जो आपको देखना चाहिए। आप वीडियो देखिए। राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। वहीं आपको बता दें कि दंगाइयों ने कई वाहनों और मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी भी की है। साथ में कुछ हिंसक झड़पों की खबरें भी निकल कर सामने आई है, जिसके बाद अब नीमच में हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। वहीं बता दें कि सारा मामला हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर हुआ है, लेकिन किस कारण ये छोटा सा विवाद इतना बड़ा बन गया इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। वहीं इस मामले पर एसपी सूरज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपद्रव के दौरान कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, एक दो पुलिस अधिकारी को भी चोट आई है। वहीं अब पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, अभी किसी की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, न ही इस विवाद को लेकर किसी तरह की गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी कैमरे व अन्य माध्यमों से उपद्रवियों को चिन्हित कर पुलिस स्वतः संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगी। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर धार्मिक हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस वालों समेत दर्जनों लोग घायल हो गए थे और दंगाइयों ने कई वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद वहां भी पुलिस को मजबूरन धारा 144 लगानी पड़ी थी। और अब खरगोन हिंसा के कुछ ही दिनों बाद नीमच में धार्मिक हिंसा का फैल जाना सीधे सीधे बता रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार किस तरह से फेल हो चुकी है, और यही कारण है कि आपसी भाईचारे की बजाय मध्य प्रदेश में नफरत पनप रही है। आपको नहीं लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मजबूरन मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की नौबत आ जाएगी? कुछ भी हो, जितनी नफरत भाजपा शासित किसी राज्य में धर्म के नाम पर पैदा होकर हिंसा में बदलती है, उतनी शायद ही किसी दूसरे राज्य में होती है, जो इस बात का सीधा सबूत है कि भाजपा सिवाय धर्म के नाम पर जनता को लड़वाने के कुछ नहीं करती। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले।